भाई जो भी आएगा मैं बुझा रहा हूँ, किसने के साथ दुकान आपसे से कितनी ऑसम लग रही देखने में। तो कई जगह पर राजपुर से बिलोंग करते हैं, तो भाई जी दुकान तो जरूर विजिट करें। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस टाइम हम सड़क पर खड़े हैं छाता लेके, आपस में ऐसे क्यों हुआ गाइस, बारिश पड़ रही है सुबह से पड़ रही है। तो हम मम्मी जी हमारी मंदिर पे गए थे, तो उस टाइम में बारिश थोड़ी कम थी, तो बारिश तेज़ होती है, तो मम्मी जी हमारे मंदिर पे रुक गए हैं, तो वैसे उनको नहीं जाने में छाता लेके। तो अभी आपको मौसम दिखाता हूँ कैसा है, गाइस देख सकते हो बारिश पड़ रही है, देख सकते हो बारिश मौसम कैसा है। मम्मी जी वो हमारी आ रही है, देख सकते हो उनको, मम्मी जी हमारे मंदिर से आ रहे हैं। छोड़ दे ऐसे झटक के चली जाएंगी, नहीं चलता आपको। तो गाइस मम्मी जी हम आगे देख सकते हो, चलते हैं घर पे, ठीक है। घर पे जाके अच्छी लाइट भी चली गई गाइस, जब मैं आ रहा था तो लाइट चली गई थी, तो अभी जाके नाश्ता बनाएंगे मम्मी, फिर खाएंगे हम, ठीक है। इसके बाद बारिश में तो कहीं जा नहीं सकते, तो घर में आज ब्लॉग शूट करेंगे हम, ठीक है। तो चलते, तो गाइस घर पे आ गए हैं, ठीक है। गाइस आपको बता दूँ कल का ब्लॉग मैं अभी तो देखा नहीं, क्योंकि मैं अपलोड नहीं कर पाया, 8 बजे अपलोड करना था, बट मैं सोया रह गया, तो ध्यान से दिया, तो कोई जिसके लिए सॉरी मांगता हूँ कि मैं अभी तक आपको अपने ब्लॉग अपलोड नहीं किया। तो भाई जब भी आधा एक घंटे में ब्लॉग अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। और दोस्तों का हमारा इंटरव्यू था, उसके बारे में भी आप देख रहे हैं ब्लॉग मेरे, ठीक है। तो भाई अभी नाश्ता भी बना रहे हैं, ठीक है। बारिश भी रुक चुकी है और हवा चल रही है अभी, देख सकते हो। तो भैया जी ने तो नाश्ता कर लिया, हमारी बारी है, हमारी पराठा बना रहे हैं गाइस, पराठा है मेथी और लहसुन का, ठीक है। तो अभी हम बस आ गया, गाइस पराठा जैसे तुम कहो। तो गाइस बारिश बंद हो चुकी है, हवा बहुत तेज चल रही है, और नाइट भी नहीं आ रही, और बैटरी हमारी 10% चार्ज है, और ब्लॉग भी शूट करना पूरे दिन का, भी पता क्या होगा, फोन जल्दी से लाइट आ जाए, ठीक है। टाइम भी 10:30 हो चुके हैं। तो गाइस अभी मम्मी जो है ना साग की दोपहर खाने की तैयारी कर रहे हैं, देख सकते हो साग से काट रहे हैं, दिखाता हूँ आपको। तो ये सरसों है, ये गाइस बाथू है, और उधर पालक है, और मम्मी जी पालक काट रहे हैं, और बाथू उससे पड़ा हुआ है, तो अभी वही काट रहे हैं, उसके दोपहर के खाने बनाएंगे ना मम्मी। हाँ अपन डीओ देख सकते हो, रोटी खाने के लिए आया है, दिखाता हूँ। अरे क्या हुआ, कितना मौसम चल रहा है, नहीं हो आजा रोटी सही है देता हूँ। गाइस अक्सर यहीं पे खड़ा हो जाता है, अक्सर यहीं पे देख सकते हो। तो गाइस ग्राउंड में आ गए थे हम, ठीक है, और हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत हवा चल रही है, ठंड लग रही थी, घर ही चलते हैं वहाँ पर, ठीक है। हवा दे सकते हो आप, चलती है। टाइम हो गया 12:45 हो चुके गए जी, और लाइट नहीं आ रही गई यार, लाइट आई नहीं रही, तो भाई अभी फ़ोन भी हमारा बस 3% चार्ज आएगा, 3% कभी बंद हो सकता है, और हमने ब्लॉग शूट भी करना है अभी, आपको पता ही है। तो ना अभी हम चलते हैं भैया जी की दुकान पे, वहाँ पे लाइट होगी शायद, तो वहाँ पे फोन फोन चार्ज लगा लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, और भैया जी की दुकान पर जाते हैं, उतने में लाइट ही आ गई, देख सकते हो आप, लाइट आ चुकी है, देख सकते हो। तो लाइट आ चुकी है, तो घर में बैठते हैं, फ़ोन और 2% चार्ज आएगा गाइस, 2% जल्दी से फ़ोन चार्ज लगा लेते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी टाइम हो गया 2 बज चुके हैं गाइस, वहाँ मक्खन जी देख सकते हो आप, इनका 10वीं पेपर चल रहा है, आपको पता ही है। टाइम हो गया गाइस, टाइम 4 बजे में बस 10 मिनट बाकी है, दोपहर का खाना बन चुका है, जैसे गाइस रोटी और भुजिया, ठीक है, खाना खुना खा लिया, ठीक है। अभी जा रहे हैं थोड़ा सड़क पर, और तो कीचड़ पूरा पूरी गली कीचड़ से भर चुकी है, और रास्ता नहीं बचा जाने के लिए यार, तो कितना कीचड़ है। गाइस सड़क पर आप भी आ चुके हैं, और जो गाइस जूतों का हाल बहुत बुरा हो चुका है कीचड़ में, आप देख सकते हो, दिखाता हूँ आपको। गाइस जैसे जूते का पूरा कीचड़ से भर चुका जूता मेरा, जैसे तो मेरा गंदा हो चुका पूरा। तो गाइस इस समय हमें किशन जी की दुकान के बाहर खड़े हैं, उनके डेडी जी सन्नू कम करते हैं गाइस, तो वहीं पे खड़े हैं, तो अभी अंदर जाता हूँ, उनको अंदर का आपको व्यू दिखाता हूँ, और उनको क्या काम होगा बताता हूँ, ठीक है। तो अभी चंद भैया जी, हमारे सुन भैया जी, संजय भैया जी, यहाँ पे काम चल रहा है, अभी दुकान आप देख सकते हो, दुकान आप देख सकते हो कितनी ऑसम लग रही देखने में। तो गाइस मैं दुकान का एड्रेस ना आप अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से एड्रेस देख के यहाँ पे दुकान पर आ सकते हो गाइस। दुकान आपने कब खोली है? ये दुकान मैंने खोली है सन 2021 में अप्रैल महीने। अच्छा जी, पहले आपकी कोई और दुकान भी थी ना? हाँ, इससे पहले मेरी छोटी दुकान थी। अच्छा जी, उसकी वजह से ही मैंने ये बड़ी दुकान बनाई है। और यहाँ पे कटिंग होती है और
यहाँ पे कटिंग होता है, फेशियल का काम है और विद बॉडी मसाज का काम होता है, सारा कुछ होता है। जो भी हमारे सैलून में आता है उसका हम लोग तसल्ली से काम करते हैं। सुनील नाम मेरा है, संजय हमारे उस्ताद जी का है जो अभी दुकान पे काम कर रहे हैं, और मेरा बॉडी मसाज का काम है। मेरा क्लाइंट आने वाला है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। ये मेरा बेटा है, ये भी मेरे साथ काम कर रहा है, कृष्णा शर्मा। मेरा नाम सुनील शर्मा है, ये हमारे बड़े भैया संजय शर्मा। हम और दो लड़के हैं जो हमारे काम की वजह से बाहर गए हुए हैं बॉडी मसाज करने। अच्छा जी। प्रॉपर मैं बाहर रेफरेंस नहीं करता, मैं अपनी दुकान में ही काम करता हूँ। ठीक है जी। और मेरा काम मालिश का ही। ठीक है। तो गाइस अपने दुकान देख ली, और अंदर से गाइस ये कैबिन है, कैबिन आपको दिखाता हूँ फोन की। ठीक है, ये जी काम कर रहे हैं, देख सकते हो। बढ़िया से साफ कर दे बेटा, बढ़िया। तो गाइस ये कैबिन अंधेरा है, नाइट सीन है ना। तो गाइस ये कैबिन देख सकते हो, कैबिन हो तो सो उस साइड स्ट्रीम गाइस, इस तरह स्ट्रीम है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, स्ट्रीम दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारा कैबिन है दोस्तों, ये भी मसाज होते हैं। यहाँ एक कैबिन एक और है गाइस, देख सकते हो आप इधर। यहाँ पर तो एक कैबिनेट था, एक कैबिन उधर है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रीम होती है, उधर गाइस मालिश होती है, हेड मसाज, पूरी बॉडी की मालिश होती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइस ये वॉशरूम है, वो यहाँ पे साबुन लगा, जैसे वो साबुन लगा हुआ है, स्कीम लगा हुआ है, ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। तो गाइस ये दोस्तों हेयर चेयर है, हेयर वॉश होते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो कई जगह अपन राजपुर से बिलोंग करते हैं, तो भाई जी दुकान तो जरूर विजिट करें, वहाँ की सर्विस बहुत ही गुड है, अच्छी है, फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, तो ज़रूर यहाँ पे आपको विजिट करें। और अगर आप राजपुर के हो, अगर आप चंडीगढ़ से भी हो, फिर भी यहाँ पे विजिट कर सकते हो गाइस। यहाँ भैया जी जो आए हैं बाजार में, कृष्णा जी के साथ। हाय गाइस, तो गाइस ये बाजार में आए हैं, तो सामान किसने सामान लेना था उनके साथ आए हैं। ठीक है, तो बाजार करके बहुत खड़े था गाइस, तो कीचड़ है, तो बंदे कम दिख रहे हैं अभी, तो पहले वहाँ भीड़ थी। ठीक है, अभी बाजार दिखाता हूँ। तो गाइस बाजार से घर पे आ चुके हैं, और गाइस हमने बाजार में खाया, जैसे बनाना शेक पिया अपने, उसके बाद मोमोज खाए, उसके बाद गाइस हमने रसगुल्ले खाए, तो गरम गरम। तो गाइस उसके ना शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड करूँगा, तो आप जरूर आप देख लेना उसको। ठीक है, तो अभी घर पे आ चुके हैं, मुझे मैं देख सकते हो, चुन्नी बना रहे हैं हम, ये चुन्नी। भाई टाइम हो चुका है, 9:10 हो चुके हैं, तो मम्मी जी हमारी खाने की तैयारी कर रहे हैं, आटा गूंथ रहे हैं। तो ठीक है, तो आज गाइस आज का हमारे यहाँ पर खत्म होता हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हम वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, मिलिए।